मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के बेरोजगारों को 4000 रुपए भत्ता देने की बात कही थी, जिसके बाद कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा में बेरोजगार युवक और युवतियां पंजीयन करने के लिए बड़ी संख्या में नियम योजना कार्यालय में पहुंच रहे हैं। निगम कार्यालय में बेरोजगारों की भारी भीड़ लग रही है और वे पंजीयन कराने के लिए यहां से वहां भटक रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने विधवाओं और बुजुर्गों की पेंशन 300 से बढ़ाकर 1000 रुपए करने की घोषणा भी की थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में बुजुर्ग और विधवाएं जब अपनी पेंशन लेने के लिए निगम कार्यालय पहुंचे, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उन्हें पता चला कि उन्हें 300 रुपए की पेंशन ही मिल रही है, अभी 1000 रुपए पेंशन शुरू नहीं की गई है। इस भीड़भाड़ के चलते निगम कार्यालय में अव्यवस्था का माहौल नजर आया। यहां बुजुर्गों के बैठने तक की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण वे फर्श पर ही बैठे रहे। तालेश्वर में बोल के गए विपक्ष सक्सेना ने कि आपको 1000 रुपए पेंशन मिलेगी। कौन सी पेंशन? विधवा पेंशन। हाँ, पेपर में भी दे रहा है। युवा स्वाभिमान योजना, जिन लोगों के पूर्व में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, उन लोगों को ऑनलाइन मैसेज प्राप्त हुआ है। जिन लोगों को ऑनबोर्ड कराना है तो उनको आधार आइडेंटिफिकेशन के साथ ऑनबोर्ड कराया जा रहा है, और जो कि उसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है हमारे द्वारा। 6 सिस्टम एक साथ चल रहे हैं, जल्दी आज ही कार्य द्वारा पूर्ण कर दिया जाएगा।